हे व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी फाइल मैनेजर में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है दिस द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर कैन नॉट बी डिस्प्लेड हियर ड्यू टू एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्शन, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊंगा। दरअसल जब आप एंड्रॉयड अपने फाइल मैनेजर में एंड्रॉयड OBB वाले सेक्शन पे जाते हो और फोल्डर में कोई फाइल सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से मैंने अपना जो फाइल मैनेजर ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हो मुझे भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो आपको कह रहे थे, कैनॉट यूज़ दिस फोल्डर ऐसा लिखा आ रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डिवाइस में एक ऐप है उससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है, तो क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ। फाइल्स बाय गूगल का एक ऐप होता है, तो आपको क्या करना है अपने डिवाइस से इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि इस ऐप को आप इंस्टॉल करते हो और इसको परमिशन ग्रांट करते हो तो ये आपके जो फोल्डर है उनको प्रोटेक्ट करता है। तभी यहाँ पर लिखा था कैन नॉट यूज़ दिस फोल्डर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने भी यहाँ पे इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च करना है एक ऐप को, और उस ऐप से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फाइल्स ऐप होगा एक, हमें इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो फाइल्स ऐप यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद कुछ टाइम लगेगा ये लोडिंग के लिए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक आपको फोल्डर देख रहे हैं फाइल्स का, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पर हमें यहाँ पे अपन जो कॉपी पेस्ट वाली प्रोसेस है तो इस पर हम करेंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और जब हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे इस फोल्डर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसा लिखा आएगा नहीं आएगा कि कैनॉट यूज़ इस फोल्डर। आप इस जो ऐप है इससे आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने भी इस ऐप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ये सब करने के बाद आप एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करके स्टार्ट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।